सारण के जिला प्रभारी मंत्री सुमित कुमार सिंह बुधवार को छपरा पहुंचे। यहां पर उन्होंने जिले में बाढ़ की स्थिति और आपदा राहत के साथ कोविड वैक्सीनेशन कार्य की समीक्षा की। बैठक के बाद प्रभारी मंत्री ने बताया कि जिले में बाढ़ की स्थिति और आपदा राहत में सर्वे कार्य की समीक्षा की गई। समीक्षा में सर्वे कार्य में छूटे पीड़ितों को शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभारी मंत्री ने जिले में कोविड वैक्सीनेशन कार्य की समीक्षा भी की। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिले में चल रहे कार्यों को लेकर वो संतुष्ट हैं। प्रभारी मंत्री सुमित कुमार सिंह सोनपुर में गंगा नदी के कटाव से धारा में विलीन हुए घरों की वजह से विस्थापित हुए पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे। गया था दो दिन में से किसी एक दिन बैठक कर लेने का, बैठक कर लेने 14 या 15 वस्तु क्या बाढ़ की समीक्षा और कोविड कोविड को लेकर। तो अभी आप जो आए थे समीक्षा में क्या पाया? बाढ़ में जहाँ जहाँ हमने पाया कुछ जगह की शिकायत थी कि उनके जमीन का सर्वे नहीं हो सका, क्योंकि बाढ़ में तो बहुत तरह का चीज है, किन्हीं का फसल बर्बाद हुआ है, किन्हीं का घर डूबा है, तो उन सबको उनका उचित मुआवजा मिल रहा है, उसी की समीक्षा के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे थे। और अभी बाढ़ का ये आशंका समाप्त नहीं हुआ है, फिर से मौसम खराब हो सकता है, तो उसकी भी क्या तैयारी है, उन्हीं सब चीज़ों की समीक्षा के लिए हम लोग आए थे। वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है, वैक्सीनेशन कितना अभी तक हो चुका, कितने होने हैं, ये सब चीज़ की समीक्षा हो रही थी। तो क्या पाया आपने? स्थिति सामान्य है और इसको और उसमें जहाँ पे कमियाँ हैं उसको बेहतर करने के लिए हमने सुझाव दिया। सोनपुर में कई घर कट गए हैं गंगा नदी कटाव। अभी मैं व्यक्तिगत वहीं पे जा रहा हूँ, मैं वहीं जा रहा हूँ, मैं खुद देखने के लिए जा रहा हूँ कि वो कहाँ पे कटा हुआ है। अभी जानकारी मिली हमें बैठक में कि सोनपुर में ये कल रात से वहाँ पे पानी आ गया है और कटाव होना शुरू हो गया, तो मैं खुद जा रहा हूँ अभी स्थिति को जायजा लेने के लिए। अभी तक इस जिले में आपने जो भी समीक्षा की है कोविड को लेकर या बाढ़ को लेकर, आप स्थिति को सामान्य पाया है? बिल्कुल। यानी आप उनको पास मार्क्स देते हैं जिला प्रशासन? देखिए, ये पास मार्क्स हम नहीं देने वाले होते हैं, पास मार्क्स तो यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा दिया जाता है। जब यहाँ के सभी प्रतिनिधि यहाँ के कार्य से संतुष्ट हैं और उनके जो भी शिकायत मिल रही है उन शिकायत पे तुरंत उसका निराकरण के लिए कार्य किया जा रहा है, इसको बेहतर ही माना जाएगा। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।